डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। यह बार बार प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाला प्रश्न है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और इस पर इसकी थ्योरी भी आती है, तो इसलिए अगर यह आप एक बार पढ़ लेंगे तो पूरे जीवन में आप कभी भी इसमें असफल नहीं होंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार के होता है, एक को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और एक को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में पढ़ेंगे। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहा जाता है, तो पहले हम इसके बारे इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, संयोजन किसको कहते हैं, संयोजन जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसे संयोजन कहते हैं। वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम या इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम संयोजन को हम इस चित्र के द्वारा समझ लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से देखें, तो इसमें देख रहे हैं कि चित्र में एक इस तरह से कुंजी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, और देखिए एक सिरा तार का ए है और दूसरा सिरा बी है, तो ए के साथ देख रहे हैं हमने तीन प्रतिरोधों को जोड़ दिया है। मान लिए कि तीन प्रतिरोधों को R1, R2 और R3 इस तरह से जोड़ दिया गया। इसके बाद इनके दूसरे छोर को बी बिंदु से इस तरह से जोड़ दिया गया है। अब इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित करेंगे, देख रहे हैं विद्युत धारा इसमें इस तरह से होकर के बिंदु ए पर आती है, और बिंदु ए पर आने के पश्चात यह देख रहे हैं तीन धाराओं में विभक्त हो जा रही है। तो मान लेते हैं कि जब तीन धाराओं में विभक्त होती है, तो एक को हमने I1 मान लिया और दूसरे में जाने वाली धारा को I2 मान लिया और तीसरे में जाने वाली धारा को I3 मान लिया, और इनका देख रहे हैं कि इनका प्रतिरोध एक R1 है और एक R2 है और दूसरा R3 है। तो ये I1 और I2 I3 धारा होकर के जब यहाँ से प्रवाहित होगी, तो जब बिंदु B पर पहुँचेगी, तो तीनों धाराएं फिर एक प्रकार से एक होकर के फिर इस वायर में इस तार से होकर के इस चालक तार से होकर के फिर आगे गुजर जाएगी। तो हमने मान लिया कि वे तीनों धाराएं यहाँ पर आने के बाद कितनी हो जाएंगी, तो हो जाएगी ये हो जाएगा, तीनों धाराएं जब मिलेंगी यहाँ पर, तो तीनों धाराएं जब यहाँ मिलेंगी तो I के बराबर हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3, इस तरह से तीनों धाराएं इस तरह से हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, इन धाराओं को हमने I बराबर लिख दिया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR, या हम इसको लिख सकते हैं I बराबर V/R। इसके बाद हम देख रहे हैं जहाँ पर V लिखा गया है, तो V के स्थान पर लिख देंगे V/R, और बराबर में देखिए हो गया V/R1 प्लस V/R2 और प्लस V/R3। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब मान लें कि यदि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान
तुल्य प्रतिरोध का मान अगर हम आर मान लेते हैं तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे, ये वी बटा आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी बटा आर वन, और ये हो जाएगा वी बटा आर टू, और ये हो जाएगा वी बटा आर थ्री। इसके बाद माने हुए तीनों प्रतिरोधों को हमने आर वन, आर टू और आर थ्री परिपथ के अनुसार सब समायोजित करके इसमें जब धारा प्रवाहित की गई तो आपने देखा कि इसमें धारा आई वन, आई टू और आई थ्री धारा इसमें से बिंदु ए से होकर के फिर बिंदु बी पर मिलती हैं। तो इस तरह से जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो देखिए हो जाएगा यह वी बटा, अब हमने मान लिया कि इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है हमने उसको आर ले लिया, तो वी बटा आर हो गया, और ये बराबर हो गया वी बटे एक बटे आर वन, और ये हो गया एक बटे आर टू, और एक बटा आर थ्री हो गया। वी से वी को हमने कट कर दिया तो आ गया एक बटे आर बराबर हो गया एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटा। अगर हम दो प्रतिरोध लें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आर बराबर आर वन आर टू बटा आर वन प्लस आर टू। आप इसको इस तरह से हल भी कर सकते हैं। अगर मान लें कि एक प्रतिरोध आर वन है और एक प्रतिरोध आर टू है, जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो हम इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा। अगर मान लें कि तुल्य प्रतिरोध R है तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे, हो जाएगा एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर, एक बटे आर हो जाएगा। अब इसको आप सरल करेंगे तो देखिए हो जाएगा, ये हो गया आर वन प्लस आर टू और कुल के बटे हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आर वन आर टू और ये बराबर हो जाएगा एक बटे आर। तो आप जब इसको एक बटे आर को इस तरह लिखेंगे, आर बराबर लिखेंगे तो आर बराबर हो जाएगा आर वन आर टू बटा आर वन प्लस आर टू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, और हमें कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।